सो है गाइस, वैसे बड़ी बड़ी दिस चैत्र है बैक अगेन टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम पीडी ओमेंस कॉलेज की रिव्यू करेंगे। तो पीडी ओमेंस कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन एडमिशन ले सकता है, क्या प्रोसीजर है एडमिशन का, उसके बारे में बात करेंगे। और कॉलेज आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, लैब फैसिलिटी, ये सब बात करेंगे। और ये कॉलेज ओरिजिनल है कि नहीं आपके लिए, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये कॉलेज इन व्यू नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के अंडर में है और नैक एक्रेडिटेड B+ है इस कॉलेज का, ठीक है ना, इन व्यू एफिलिएटेड। तो इसमें कौन कौन से कोर्स, BA, BSc प्रोग्राम एंड जनरल, बोथ कोर्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय दिस कॉलेज। सो क्या क्या सब्जेक्ट हम BA में देखते हैं, ठीक है ना, BA में हमको बंगाली, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, ये सब सब्जेक्ट्स मिलते हैं। और BSc ऑनर्स में हमको बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जूलॉजी, ये सब मिलता है। और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, इधर पे कंप्यूटर साइंस का एक एक्स्ट्रा स्पेशलाइजेशन आपको डिप्लोमा मिलता है, और एक BBA बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपको TTM मतलब ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में आपको इधर पे कोर्स एक्स्ट्रा मिलता है, आप इधर पे ज्वाइन कर सकते हैं। NBU एफिलिएटेड है, ठीक है ना। तो आप अगर इसकी वेबसाइट विजिट करेंगे तो इधर पे आप देख सकते हैं कि ये कॉलेज आपको BBA इन TTM प्रोवाइड करता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। तो अगर इस कॉलेज के कुछ फेस्ट के बारे में बात करें तो इधर पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एनुअल फेस्ट होता है, और आपको फ्रेशर्स पार्टी इधर पे बहुत अच्छा मिलता है, बहुत सारा प्रोग्राम इधर पे ऑर्गेनाइज किया जाता है कॉलेज के द्वारा, कॉलेज के सीनियर के द्वारा, ठीक है ना। तो अगर इस कॉलेज के मैं आपको प्रोग्राम बता चुका हूँ BSc एंड BA में कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, और उसके बाद हम आते हैं एडमिशन प्रोसीड्योर के बारे में। तो अगर इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, ओनली गर्ल्स कैन अप्लाई फॉर दिस कॉलेज, इसका नाम है PDO मेंस कॉलेज, नाम से ही पता चलता है, ठीक है ना। तो इधर पे अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको 12th में अच्छा परसेंटेज चाहिए, ठीक है ना, तो आपको इधर पे आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको एडमिशन मिलेगा। अब आपको 80% के ऊपर रखना होगा इधर पे एडमिशन पाने के लिए, 75% के ऊपर भी हो जाता है, परंतु अगर 80% है तो आप इसीलिए इधर पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इधर पे टीचिंग स्टाफ के बारे में बात करें तो इधर पे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे PhD होल्डर्स टीचर आपको मिलेगा, और आपको बोटनी डिपार्टमेंट में बहुत सारे PhD होल्डर्स टीचर इधर पे आपको मिलेगा। तो टीचर के मामले में कॉलेज बहुत अच्छा है एंड बहुत पुराना कॉलेज है, ठीक है ना, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है, ओल्ड बिल्डिंग्स इधर पे आपको मिलेगा। तो अगर कॉलेज की रेटिंग के बारे में बात करें, कॉलेज का मॉड्यूल के बारे में बात करें तो बहुत अच्छा है। मैं 10 में आउट ऑफ इसको 8.5 दूंगा, आउट ऑफ 10 मैं इसको 8.5 दूंगा, ठीक है ना, बहुत अच्छा माना जाता है 8.5 रेटिंग, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा कॉलेज है, आप इधर पे ट्राई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। इस कॉलेज आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड करता है, परंतु हॉस्टल का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है बहुत हार्ड है एंड स्ट्रिक्ट है। तो इधर पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन की द्वारा स्टूडेंट्स को गाइड करता है हॉस्टल वाले एंड कॉलेज वाले, ठीक है ना। तो अगर आपको हॉस्टल लेना है तो आप ले सकते हैं, या फिर आपको इतना स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन पसंद नहीं तो आप PG में शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर कोई एक्स्ट्रा होम मतलब और कुछ तरीका आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको हॉस्टल लेने का ज़रूरत नहीं होगा। तो ये कॉलेज आपके लिए वर्थ इट होगा, क्योंकि अगर आपको एक BSc डिग्री चाहिए एक अच्छा कॉलेज तो एक A1 कॉलेज है, ठीक है ना। तो आप इधर पे एडमिशन ले सकते हैं अगर आपको BSc BA मतलब ग्रेजुएशन करना होगा तो। इधर इस कॉलेज से आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक जनरल कॉलेज है। तो इधर पे कंप्यूटर साइंस का कुछ ब्रांचेस अभी लॉन्च हो रहा है, कंप्यूटर लैब खोल रहा है, परंतु अभी तक इनबिल्ट नहीं हुआ। इधर पे वाईफाई फैसिलिटी भी ये लोग करवाने वाले हैं, परंतु अभी तक नहीं हुआ, ये सब इन प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है ना। इन फ्यूचर इधर पे कंप्यूटर साइंस का ब्रांच बहुत अच्छा मिलेगा आई थिंक। तो इधर पे ऑनलाइन फैसिलिटी भी मिलता है इस लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना की वजह से इधर पे ऑनलाइन सेमिस्टर चालू है, इधर पे ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम इस वेबसाइट में जाए तो इधर पे ऑनलाइन का एक एक्स्ट्रा पोर्टल भी हमको मिल जाएगा। तो यही सब है कॉलेज का, और कुछ बताने का नहीं है, क्योंकि सब मैं कवर कर दिया है, एडमिशन प्रोसीड्योर, क्या क्या आपको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है कॉलेज की तरफ से, क्या क्या फेस्ट होता है, और कैंपस कैसा है। कैंपस एकदम हरियाली है, ठीक है ना, बहुत हरियाली कैंपस है। तो कैंपस के बाद आते हैं इसका एडमिशन प्रोसीड्योर में बता दिया, क्या क्या कोर्स ये प्रोवाइड करता है ये सब भी मैंने बता दिया, और दैट्स इज सिक्योर फॉर गर्ल, ओके, ओनली फॉर गर्ल्स कॉलेज, ओके। सो
Hope you enjoy this video. If you enjoy this video, give it a thumbs up and share with your friends. Tab tak ke liye, see, have a good day. Take care. Bye-bye. Thank you. I'm so happy.